नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। अमेरिका दौरे में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हमारे संवाददाता दिनकर आनंद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय लोगों से मुलाकात की और उनके बीच एक कार्यक्रम मोहब्बत की दुकान में संबोधित किया। आपको बता दें कि राहुल जिस दौरान संबोधित कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर जोर दिया, खासकर नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भगवान को भी समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर भगवान के साथ बैठते हैं तो वह भगवान को बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी कर्नाटक की जीत से गदगद होकर उन्होंने वहां बताया कि किस तरीके से कांग्रेस 2024 में बीजेपी का सफाया कर सकती है। उन्होंने पूरी एक रोड मैप बताई कि गठबंधन एक साथ मिलकर अगर सब कोई लड़े तो बीजेपी को हराया जा सकता है। वहीं इस दौरान एक अजीबोगरीब वाक्य भी देखने को मिला। दरअसल जब राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के संस्मरण की बातों को दोहरा रहे थे, उस वक्त कुछ खालिस्तानी लोग वहां पहुंच गए और राहुल गांधी की सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही बोला कि 1984 में जो इंदिरा गांधी ने किया था वह मोहब्बत की दुकान नहीं थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने उसका रिप्लाई सिर्फ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे भारत जोड़ो यात्रा के साथ की। उसके बाद लोगों ने भी भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि खालिस्तानी लोगों को भरे सभा से बाहर निकाला गया। इसके बाद एक सीक फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था है जिसके सरगना का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें राहुल गांधी की बाकायदा ऑडियो क्लिप लगाई गई है और राहुल गांधी के सभा का विजुअल्स लगाया गया है जिसमें वो कहता दिख रहा है कि राहुल गांधी तुम अमरीका में जहाँ भी जाओगे उस जगह पर तुम्हारा खालिस्तानी लोग इस तरीके से विरोध करेंगे और अगला नंबर नरेंद्र मोदी का है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया। आगरा में प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति के परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मनीष गर्ग। जिनके बेटे पर आगरा में जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। दरअसल मैं बता दूं, यह पूरा मामला टीढ़ी बगिया थाना ट्रांसफॉर्मर का है जहां पर उनकी गाड़ी में लोडिंग कंपनी ने टक्कर मार दी। टक्कर मार कर वो टेम्पो भागता हुआ नजर आया तो गाड़ी का पीछा कर जो उन्होंने विरोध किया, रोक कर उससे कहा तो टेम्पो चालक और उसमें दो उसके साथी बैठे हुए तो उन्होंने हथौड़ा लेकर मंत्री जी के बेटे पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। लेकिन आनन-फानन में उन्होंने भाग कर गाड़ी में बैठ कर अपनी जान बचाई तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की कांड प्रणाली पर फिर से एक बार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों व्यस्त चौराया बताया जाता है, व्यस्त चौराया है पीढ़ी बगिया, लेकिन वहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद होता है तो कहीं ना कहीं जब हादसा हुआ, गाड़ी में टक्कर मारी गई तो कहीं ना कहीं पुलिस को आकर वहाँ पर रोक कर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इग्नोर किया। अनदेखी करते हुए पूरा मामला सामने आया जहां पर मंत्री जी के बेटे पर जानलेवा हमला होता हुआ नजर आया है। दरअसल मैं बता दूं, बेटा मंत्री के बेटे और धर्मवीर प्रजापति की पत्नी राजकुमारी मौजूद थी गाड़ी में। दरअसल जब हथौड़े से हमला होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला निकल कर सामने आता और बड़ा हादसा हो सकता था मंत्री जी के बेटे के साथ। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रही हैं। उसके बाद ट्रांसजमुना थाने में बेटे चंद्रमोहन द्वारा, मंत्री के बेटे चंद्रमोहन द्वारा जब तहरीर दी गई तो तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तीन लोगों के खिलाफ एक टेम्पो के चालक और टेम्पो चालक में दो अज्ञात साथी थे उनके खिलाफ। अब देखने वाली बात है कि आगरा पुलिस कितनी जल्दी या कब तक गिरफ्तारी कर पाएगी, क्योंकि एक कह सकते हैं हम जब सत्ता सरकार के किसी मंत्री के बेटे पर यह इतना बड़ा हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं पुलिस जल्दी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। मैं मनीष गर्ग, इंडिया वॉइस के लिए आगरा से। यूपी के अलीगढ़ में आलिया बाई होलकर जयंती पर रैली निकालने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर। अहिल्या बाई होलकर जयंती समारोह के दौरान एक पक्ष को रैली निकालना इतना महंगा पड़ गया कि दूसरे पक्ष ने उनके साथ मारपीट कर दी। पूरी घटना थाना मडराक क्षेत्र के गांव कीरतपुर की है जहां सुबह तकरीबन 11 बजे बघेल समाज के लोग अहिल्या बाई की जयंती मना रहे थे। जयंती के दौरान कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में एक रैली का आयोजन किया गया जिसकी कोई परमिशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जिसका विरोध ठाकुर समाज के लोगों ने किया और वहीं इस विरोध को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई जिससे
काफ़ी लाठे डंडे चलने लगे और दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको इलाज के लिए भेज दिया, तो वहीं जो घटना में शामिल लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें पूरी घटना को लेकर प्रशासन इतना संजीदा था कि स्वयं कप्तान वहाँ मौके पर पहुँचे और जाकर शांति व्यवस्था का जायजा लिया। कप्तान का कहना है कि फिलहाल मौके पर शांति और भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दिया गया है, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल भेज दिया गया और जो लोग इस पर आरोपित हैं जो इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ताकि गांव में किसी तरह का विवाद फिर ना हो। वहीं मौके पर अभी फिलहाल की स्थिति में शांति व्यवस्था कायम है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, चंडीगढ़। लश्कर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 5 माह की बच्ची को कब्रिस्तान से बाहर निकाला। क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता जसमीत सिंह। लश्कर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सुल्तानपुर के बड़े कब्रिस्तान से 5 माह की बच्ची के शव को बाहर निकाला। इस बच्ची के शव को 5 माह पहले उसके पिता ने दफना दिया था और इसकी मां ने पुलिस में तहरीर देकर बताया था कि उसके पति ने उसकी हत्या की है, लेकिन ये मामला 5 साल बाद उठा गया जब पति पत्नी के बीच आपस में संबंध बिगड़ गए। इससे पहले पुलिस पति को एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पति को फिर रिमांड पर लिया और मौके पर उसे बुलाया। उसकी मौजूदगी में ही बच्ची के शव को बाहर निकाला गया। बच्ची के शव का सैंपल लेकर के अब प्रयोगशाला में जाँच के लिए भेजा गया है। इसके बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। इस मामले से कहीं ना कहीं परिवार वाले तो हैरान हैं, साथ में पुलिस और अन्य लोग भी हतप्रभ हैं। वजह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक बाप ने अपनी बच्ची को मार दिया हो, और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह पत्नी आरोप लगा रही है तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरह पुलिस की नज़रों में संदिग्ध है। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी इसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में पहले से जो संबंध थे उनमें खटास आई होगी, तब जा करके पत्नी ने ऐसा आरोप लगाया है, या फिर पति ने सचमुच ही किसी और वजह के कारण बच्ची की हत्या की हो। अब कुछ भी हो, अब आने वाले समय में जिस तरह से डीएनए जांच होने के बाद रिपोर्ट आएगी तब पुलिस कार्रवाई करेगी। जसवीर सिंह, इंडिया वॉइस। यूपी के बदायूं में सड़क पार कर रहे ट्रक और बाइक टकरा गए। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, घायलों में 2 बच्चे शामिल हैं। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। तेज रफ्तार का कहर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार तेज रफ्तार के कहर को देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भाई बदायूं क्षेत्र के जरीफ नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसपे 5 लोग सवार थे। वही 3 बच्चे और दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के लिए जब सूचना पुलिस को मिली तो घायलों को सभी को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हालत को गंभीर देखते हुए बदायूं जिला अस्पताल रेफर किया है। वहीं उन लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि ये लोग अपने परिवार सहित, बाइक सवार जो था वो अपने परिवार के सहित दिल्ली से बाइक से अपने घर कादर चौक जा रहा था, तभी ये रास्ते में घटना घटित हो गई। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रांची में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं, बता रही हमारी संवाददाता जूही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो है मुलाकात करेंगे। आपको बता दें इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीएन सिंह ने दी है। पिछले 4 महीनों में दूसरी बार है जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बात मुलाकात का जो है ये समय जो है वो तय किया गया है। इसके कई सियासी मायने जो है वो लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश, दिल्ली एवं झारखंड में ईडी और आईटी की हाल ही की कार्रवाइयों के साथ ही 2024 चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। केजरीवाल और सोरेन दोनों ही अलग अलग मसलों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे, जिसके चलते इसे केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी के प्रयास के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसके पहले बीते 7 फरवरी को केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बीच दिल्ली में बात मुलाकात हुई थी और सीएम केजरीवाल ने तब की तस्वीर खुद शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा था कि देश के विभिन्न मुद्दों पर हमारे बीच सार्थक बातचीत हुई। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा था कि मुलाकात के दौरान झारखंड और दिल्ली से जुड़े विकास के विभिन्न मुद्दों पर ही चर्चा की गई है। फिर फरवरी के बाद से जो है दोनों राज्यों में ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर जो है कई सारे पन्ने जुड़े और इसके बाद से दोनों राज्य जो है राज्य की सरकारें बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार मुखर रही है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस मुलाकात के जो है कई सियासी मायने इससे जोड़े जा रहे हैं। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। संबल में सांड का गुस्सा देखने को मिला है। सांड ने युवक को सींग पर उठाकर बुरी तरह पटक दिया। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह।
आपको बता दीजिए कि पूरा मामला जनपद संभल के गिन्नौर कोतवाली क्षेत्र के बबराला का है, जहां पर बाजार में पैंट लग रही थी तो वहां पर जो है लोग सामान लेने जाते हैं, तो एक किसान जो वहां पर दुकानदार होता है उसकी एक सांड जो आवारा सांड घूमते हुए वहां पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में जो सांड पहुंचने के बाद में उसकी प्याज खा रहा था, तो वहां पर जो सामान लेने जाते हैं लोग वो वहां पर पहुंचता है और सांड को बचाने लगता है, तो सांड ने जो है सांड को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद में सांड ने उसे पटक लिया, और पटकने के बाद जमीन पर पटक दिया गया जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है जहाँ डॉक्टरों ने रेफर कर दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि उसे जो है हायर सेंटर रेफर किया गया है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर पर है। सांड का ये भी बताया जा रहा है कि सांड जो है लगातार बाजार में 8 से 10 लोगों के लिए घायल कर चुका है। अभी तक ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से सांड घूम रहे हैं बाजारों में, तो बाजारों में आवारा सांड घूमने के लिए जो जिस तरीके से घूम जा रहे हैं तो लोग बहुत जो बच कर निकलते हैं वहाँ पे, और सांड जिस तरीके से सांडों का आतंक लगातार जनपद संभल में देखने को मिलता है, ये भी देखा जा सकता है सफर सफर तस्वीरों में कितना दिखा जाता है कि किस तरीके से सांड ने हमला किया गया है, तो उस हमले से जो है जो युवक है वो कितने गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसका जो है वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये सांड जो है आए दिन ये ऐसी घटना को अंजाम देता रहता है और इसने कई लोगों के लिए घायल कर दिया गया है। जिस दिन बाजार होती है उस दिन बाजार में पहुंचता है, पहुंचने के बाद में लोगों पर हमला करता है आए दिन। और ये भी बताया जा रहा है कि रोड पर पहुंच जाता है, रात के समय वो निकलने नहीं देता है, तो जिस तरीके से वो सांड सरेआम घूमता रहता है, अभी तक अधिकारियों ने उसकी सूट नहीं लिया और उसे पकड़ा भी नहीं गया है। अब देखना होगा किस तरीके से वो सांड को बस में लेते हैं और वो सांड किस तरीके से जो बाजार में आए दिन आतंक बचाता है और आतंक बचाने के बाद में लोगों पर हमला करता है, किस तरीके से हमला हुआ है ये भी आपको सफर सफर तस्वीरों में दिख रहा है, किस तरीके से हमला किया गया है। जिस युवक पर हमला किया गया है उसकी हालत गंभीर है बहुत ज़्यादा, वो वेंटिलेटर पर है। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो युवक बचाने गया था, बचाने के बावजूद ही उसने सांड ने किस तरह से हमला किया है, अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या अमल करता है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। हरदोई में मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में जानवरों को टहलते हुए नजर आते हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। महकमे की लापरवाही सामने आई, आपको बता दें एक वीडियो यहाँ से वायरल हो रहा है जहाँ पे एक आवारा पशु यहाँ घूमता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये ग्रीन जोन ये इमरजेंसी सेवा कही जाती है, तो आपको दिखाते पीछे ये देखिए हमारे ग्रीन जोन है, यहाँ पे मरीजों का जहाँ मरीज रहते हैं वहाँ पे जानवर घूम रहे हैं लगातार यहाँ पे, लेकिन कोई भी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे सब ध्वस्त नजर आ रहा है। आपको बता दें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए गए, लेकिन उस वक्त यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। हालांकि हाँ यहाँ पे मरीजों को तो रोक लिया जाता है, उनके साथ जो परिजन होते हैं उनको रोका जाता है, लेकिन जानवरों को रोकने के लिए यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं होता है। अब देखना ये होगा क्या किसके ऊपर कार्रवाई होती है, या यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, स्वास्थ्य महकमा आखिरकार किसके ऊपर कार्रवाई करता है। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज हमारे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।